संतोष कुमार मथुरा यादव जी और चमड़िया जी, सभी मित्रों, यहाँ कई तरह से सब बातें लोगों ने रखने का काम किया है। ये शुरुआत काफ़ी बेहतर है जो बहुजन समाज है, खास करके पिछड़ा वर्ग है। मैं मानता हूँ कि दलितों में तो चेतना आई है और वो चेतना जो व्यक्त होती है वो कलम से भी होती है, बोली से भी होती है और लिखने पढ़ने और कलम से भी होती है। लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनमें बहुत कम, अब थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है, इसलिए राव साहब को मैं काफ़ी बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने विश्वास किया। और जिन लोगों ने कठिन परिस्थिति में इस किताब का अनुवाद किया उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है और ये संकट जो है इससे आने वाला जो चुनाव है वो एक चुनौती बन के हमारे सामने आया है। मैं मानता हूँ कि देश में कभी 70 बरस में ऐसी चुनौती नहीं आई है जैसी आज के दौर में हम लोगों के सामने आई है। ये 19 निकल गया और जो लोग इस 19 को काबिज होना चाहते, कब्जा करना चाहते वो सफल हो गए तो विकट परिस्थिति हो जाएगी। एक से एक 5 बरस में एक से एक तौर तरीके देखे हैं। आप यहाँ जो इकट्ठा है वो आरक्षण के बाबत ज़्यादा है, बड़ा मुद्दा है, वो ही ठीक से चला होता तो आज की स्थिति जो है वो आज हमारे सामने नहीं खड़ी होती। ये जो हिंदू मुसलमान है ये जो मुस्लिम के तरफ जो हाथ उठते रहता है इसमें एक बात और पक्की निहित है कि भारतीय समाज का जो जाति ढांचा है, जातिगत ढांचा है वो बना रहे, जाति का जो तकलीफ और दर्द है, जो वेदना है, जो चेतना है वो ना उभर जाए। अद्भुत देश है ये, पाखंड तो इस देश में कदम कदम पर है। लेकिन ये जो मुस्लिम की तरफ हाथ उठ रहा है 47 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये बंटवारा हमारी त्रासदी हो गया और उस त्रासदी में सबसे ज्यादा यदि कोई दिक्कत और तकलीफ है तो दोनों तरफ जो वंचित समाज है वो तकलीफ में है। उसके सारे मसले भुलाने का काम एक तरीका इससे भी है। ये हिंदू और मुसलमान, मुसलमान की तरफ जो हाथ उठता है वो एक हाथ आपको दबाए रखने के लिए भी
काम करते रहता है। यानी आप मुसलमान देखो, हिंदू हो जाओ, और जब हिंदू हो जाओगे तो फिर जाति व्यवस्था आपके गले की एक परमानेंट, एक जरूरी चीज बन जाएगी। शूद्र शूद्र रह जाएगा, अतिशूद्र अतिशूद्र रह जाएगा, बेकारी बेरोजगारी सब चीज दूर हो जाएगी, जो मेहनत करके पैदा करता है वो पीछे हो जाएगा। तो असली मुझे आपको बुलाया तो मुझे मौका मिला है आपके बीच में, असली ये 19 है, ये जो आईन है, संविधान है, याद रखना। हजारों बरस में भारत में यदि कोई एक किताब आई है तो वो भारत का संविधान है। इस किताब में सबसे बड़ी चीज यदि आपके हाथ में मिली है तो वो बैलेट पेपर है, एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बटन से प्रधानमंत्री निकलता है, इसी बटन से मुख्यमंत्री निकलता है, इसी बटन से पंचायत निकलती है। ये कभी इस देश में नहीं था, ये झूठ बताते हैं, फलानी जगह वैशाली में वो था, झूठे लोग हैं ये, इनकी किसी तक सारी किताब जितनी लिखी उल्टा पढ़ना उनको, सब झूठ लिखा हुआ है। हजारों बरस में के तारीख नहीं दे सकता मैं, तब ये एक चीज आपके हाथ में आई, ये बैलेट पेपर। इस हाथ में आया हुआ इससे बड़ा पुरुषार्थ आपके हाथ में हजारों बरस में कभी नहीं मिला, वो हमको मिला हुआ है। ये खतरे में है, 19 के बाद ये जो बैलेट पेपर है इस पर पैसे का, संपत्ति का, अब ये आप बैठे हैं, ये भी जानते हो कि सबसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज जो है, मेहनत करने वाला समाज जो है, वो दलित है और ओबीसी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये खबर नहीं है, ये खबर बनेगी भी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके हाथ में ये सबसे बड़ा जो अधिकार है, 70 बरस में हमने इसको इस्तेमाल नहीं कर पाया, इसलिए कि हमारे भीतर बहुत बीमारियां हैं। वो बीमार है, लेकिन उनके साथ जो बीमारी लगी है वो सुख देती है, संपत्ति संपदा इज्जत मान सम्मान सब चीज उनको देती है। जाति जो है वो उनके लिए सुकून देती है, और जाति हमारे लिए हर तरह का मेहनत मशक्कत दौलत बनाने का काम, जलालत अपमान व्यवस्था से बाहर रखने का लगातार अनवरत प्रयास होता है। तो पहली बार ये हमारे हाथ में इस किताब आई है। अब इस किताब में अच्छाई है बुराई है वो छोड़ दो, लेकिन सबसे बड़ी एक अच्छाई है, ये किताब में इस प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारत की जो जनता है वो सॉवरेन अथॉरिटी है, वो मालिक है। ये मालकियत जाने वाली है, और ये उनके लिए नहीं, क्योंकि वो तो चाहे कोई देशी आए और विदेशी आए, उन पर कभी फर्क नहीं पड़ा। विदेशी आ जाएगा दो नंबर हो जाएंगे, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पे जरूर फर्क पड़ जाएगा कि फिर ये बैलेट पेपर हाथ से गया, जना एडल्ट फ्रेंचाइज हाथ से गया, बटन दबाने के, तो फिर जिस इलाके में आप बैठे इसमें घुस भी नहीं पाओगे, हजारों वर्ष से नहीं घुसे, अब भी नहीं घुस पाओगे। असली सवाल यह है कि ये खतरे में है। जब मैं संविधान खतरे में कहता हूं तो वो सॉवरेन अथॉरिटी मालिक जो है उसके हाथ का जो वोट है, 70 वर्ष में सबसे ज्यादा उस पर ही हमला हुआ। इस बार तो गजब हमला होने वाला है, एक दर्जना महंगा होते रहा जा रहा चुनाव, यानी थैली वालों ने, चूंकि थैली उनके हाथ में, संपदा संपत्ति सिस्टम व्यवस्था सब चीज उनके हाथ में, एक चीज हमारे हाथ में थी, ये बैलेट पेपर।
यानी आखिरी चीज थी, ये भी खतरे में है। इसलिए यहां जो आए हैं लोग, मेरा कहना है कि आने वाले कल में ये जो चल रहा है ना, अब आप बताइए पुलवामा में फौज हमारी आई भी, इंटेलिजेंस हमारा, राज्य सरकार का इंटेलिजेंस हमारा, फौज का इंटेलिजेंस हमारा, बीएसएफ का इंटेलिजेंस हमारा, और जो गाड़ियां जो ट्रक से या बस से बीएसएफ के जवान जा रहे हैं, उनने हम मिनिस्ट्री से कहा कि जहाज से पहुंचाओ, रिजेक्ट कर दिया गया। बहस ही नहीं है, यानी आतंकवाद से लड़ाई जरूरी है, ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन आतंकवाद से लड़ाई भी जरूरी है और आंतरिक जो सुरक्षा है, आंतरिक जो तंत्र है, उसकी सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। भारत के अंदर जो तंत्र है उसे भी सचेत होना चाहिए। तो क्या हाल हुआ, 45 आदमी इस सरकार की इस व्यवस्था की नाकामी के चलते, आदमी यही का, यानी कश्मीर ही एक मुद्दा है 5 बरस से, कश्मीर के मुद्दे से ही सारे देश में ये जो लोकतंत्र है इसको खतरे में लाने का जो काम हुआ है वो कश्मीर से ही शुरू है। पाकिस्तान, कश्मीर, ये सारे मुद्दे जितने भी आ रहे हैं वो सिर्फ यानी आपके वोट को और आपके जहन को विषैला बना करके आपको ही और आपके हक हकूक को ही छीनने का खेल। इसलिए मेरी विनती आपसे यही है कि इस चुनाव में कुछ लोग कह रहे थे पार्टी नहीं, याद रखना बगैर पार्टी के कभी कोई व्यवस्था नहीं बदलने वाली। मंडल कैसे लगा है, ये जाति गणना किससे हुई है, कुछ लोग हैं यहां, हाँ 2 तारीख को ये सोशल मीडिया आया उसके चलते, लेकिन इससे आंदोलन होगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये वोट जो है, एक वोट जो लोकसभा के लिए डालते हो, एक बटन दबाते हो, वो 24 लाख करोड़ रुपए का एक बटन है। 135 करोड़ लोग एक एक बटन दबाते तब कहीं, 24 करोड़ लाख का बजट हर साल का है, साल भर का कितना होगा, इस पर कब्जा नहीं होगा तो कैसे काम हो जाएगा भाई, इस पर उनका कब्जा है, इसी के जरिए सब चीजों पर कब्जा उनका। याद रखना, आपके हाथ में जो संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जो हक दिया है ना एडल्ट फ्रेंचाइज में, बाकी सब बहस में नहीं जाना चाहता, ये ऐसा हक मिला है कि व्यवस्था पर, सिस्टम पर आपका कब्जा हो सकता है। लेकिन अभी इसमें झटका आ गया है, झटका ये आ गया है कि ये चुनाव उन्माद करके, एक और बात रखना, यहां से जो आदमी जाए, शूद्र अतिशूद, दलित और आदिवासी, पिछड़ा, हम तब सफल होंगे जो बचा भारत है उसमें कहीं भी दंगा हो तो फिर दंगा होने नहीं देना, चाहे जो हो जाए मिट जाए, लेकिन दंगा नहीं। पहली शर्त है ये वोट इकट्ठा करना है। और इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं, अकलियत के लोग आज देश में रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान देख लिया उन्होंने, उसे रोज धोते हैं, रोज उसको घेर रहे हैं, रोज उसके खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं, वो हमको खेत खलियान लोहा लकड़ी इसमें हम बंधे रहे, वो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कलम से भी हम बंधे।
व्यवस्था भी हमारे हाथ में हो। दुनिया भर में यह है, अकेले हमारे देश में नहीं है। इसलिए एक ही काम है, ये रिजर्वेशन तो आपको जिस समय लागू हुआ है, ये तो आज़ादी के बाद लागू हुआ, बाबा साहब ने लगाया शेड्यूल कास्ट सूत्रांत का, ये जो लागू हुआ है 89 में, उस समय आपके पिछड़े और दलित लोगों की संख्या ज़्यादा थी एमपीस की। हमारा चौधरी चरण सिंह और लोहिया ने ऐसी परिस्थिति उत्तर भारत में पैदा की कि हमारी संख्या लोकसभा में ज्यादा 90% तो हमारी थी, लोकदल की थी। उससे यह लागू हुआ, उस ताकत से लागू हुआ, इसको बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन पहले इसके बचने के पहले एक बात चीज है कि यह चुनाव है, इसमें चारों तरफ घूमना है और किसी कीमत पर यह हाथ में जो बैलेट पेपर हमारा है, इससे बड़ी पूंजी हमारे हाथ कुछ नहीं। हम नहीं सफल हुए, आने वाला कल सफल होने वाला है। ये काम बुनियादी तो हम करके जाए ना, इसे बचा के तो जाए ना। सबसे बड़ा फर्ज आज ये है कि ये कैसे बचे। इसे बचाने के लिए पैसा, संपत्ति, ये जो मीडिया, अखबार, ये जो टीवी चल रहा है, ये बिल्कुल ही एक आध को 2000 को छोड़ करके बाकी सब जो है वो उनके जो राज है जिनका, उनको बचाने के लिए, उनके हक में वातावरण बनाने के लिए। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, उनके खिलाफ बहुत लिखा जाता था यार, तो चौधरी साहब कहते थे अपनी सभा में और विषय कहते थे भाई ये पेपर पढ़ा करो अखबार, वैसे पढ़ करके उल्टा कर लिया करो, तब सही होगा। तो वो देसी आदमी थे, किसानों का आदमी थे, तो बात जो है वो जो नीचे का आदमी होता है वो बड़ी बात कहता है। तो मैं आपसे यही कहूँ कि भैया आपने जो आज का ओबीसी और भारत वाला जो किताब लिखा है, ये किताब है जगाने के लिए, ये एक किताब नहीं। देखो दलितों के साथ ये दौर ऐसा है कि पहली बार मेल हो रहा, और सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख में यदि कोई समाज है तो वो दलित, वो दलित और आदिवासी है। हम उसके हक में खड़े होंगे तभी हमारा हक हमको हाथी हासिल होगा। इसको मत भूलना, इसको बिल्कुल मत भूलना। दलितों में चेतना आई है, आप देखोगे दलितों का साहित्य बहुत बड़ा, ओबीसी का इस मामले में बहुत काम जो है वो हम लोगों का लुंज पुंज है। अब हमारे बीच में लिखने वाले पढ़ने वाले बड़े पैमाने पैदा होना चाहिए, हर भाषा में अधिकार रखने वाले लोग। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आने वाला जो चुनाव है इसमें इनको, बड़ी कठिन चीज है ये चुनाव, ये 5 साल से जिन लोगों ने एक नहीं गुनाह किया, इन्होंने कितने तरह गुनाह किए, इस संविधान को, आईन को इन्होंने अलग अलग तरह से दे, यानी इतना ज्यादा इसको लहूलुहान कर लिया है, ये फर्क नहीं चलता है कि धर्म और राजनीति में कोई फर्क होता है, यानी धार्मिक किताब और संविधान में कोई फर्क होता है, ये कोई है ऐसा दौर 5 वर्ष में मिलाया है। इन्हें हटाना है, इन्हें हटाना है। ये संगठित ऑर्गेनाइज, ये कोई मीडियावल पीरियड नहीं, ये स्टोन एज में ले जाना चाहते हैं, पत्थर युग में ले जाना चाहते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि हमारे यहाँ सर्जरी इतनी आगे थी कि हाथी और आदमी जोड़ देते आज कोई अच्छा देश होता तो बगावत हो जाना चाहिए, हम ठीक होते तो बगावत हो जाते। कहता है हाथी और
और वो भी साइंटिस्ट लोगों के उसमें बोल रहा है, एक से एक बात बोल रहे हैं भाई, एक से एक तमाशा बोल रहे हैं, इतनी गप्पे लिखी उनको सबको सच साबित कर रहे हैं। ये जो इतनी मेहनत से लोगों ने आविष्कार किया ये विजुअल मीडिया का, आप देखिए सीरियल सारे जितने तरह के, एक से एक, यानी आप सीरियल देखोगे तो जितनी गप्पे हैं वो सब उनने उधरती उसको उतार दी, उनका बड़ा फायदा उससे। जितना बेवकूफ़ आदमी बनेगा, जितना अंधविश्वासी आदमी बनेगा, उतना ही पिछड़ा रहेगा, उतना ही दलित रहेगा, उतना ही आदिवासी रहेगा। और जितना वैज्ञानिक मन बनेगा, तार्किक मन बनेगा, उतना ही आगे हम बढ़ने का काम होगा। इसलिए आने वाला चुनाव इन्हें धराशायी करना है, एक ही काम करना है और लिखा पढ़ी जोर से जारी रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।